जबलपुर शेल्बी हॉस्पिटल में विश्व विख्यात जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी रोग टीम उपलब्ध है, जिसके वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम आई शाह अहमदाबाद का जबलपुर शेल्बी हॉस्पिटल में आगमन हुआ। डॉक्टर विक्रम शाह ने पत्रकारों से चर्चा में कोरोना महामारी के बारे में बताया कि जिनका विटामिन लेवल बढ़िया है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैक्सीन के बारे में कहा कि वैक्सीन सभी को लगवा लेना चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जल्द ही इंदौर और अहमदाबाद के कैंसर विशेषज्ञ यहां आने वाले हैं, जिससे कैंसर इलाज के लिए जबलपुर से बाहर ना जाना पड़े। जो व्यक्ति बाहर जाता है उसे अब जरूरत नहीं है बाहर जाने की, जो ट्रीटमेंट बाहर मिलता है वो जबलपुर में शेल्बी हॉस्पिटल में प्राप्त होगा। सबसे पहले तो मेरा आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ के पेशेंट हमेशा बोलते रहते हैं कि साहब आप जबलपुर आना क्यों बंद कर दिया, तो सवा साल से आया नहीं, तो यहाँ 5 साल 3 साल पहले ऑपरेट किए हुए दूर दूर के पेशेंट वेट करके बैठे थे, तो उनका सब काज कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आना चाहिए यहाँ 1-2 महीने में एक बार, तो यहाँ के लोगों को सुविधा भी मिले और बाहर तक जाना नहीं पड़े। कोरोना में तो ऐसा है कि एक टाइप का फ्लू ही है और थोड़ी बीमारी ज़्यादा करता है, तो सबको ध्यान भी रखना है, लेकिन अगर विटामिन लेवल आपके बढ़िया है और आपको दूसरी कोई बीमारी नहीं है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सर देखो, वैक्सीन जो भी है, मेरा जितना नॉलेज है वैक्सीन के बारे में, वो सबकी सब वैक्सीन अच्छी है, कोई लंबे प्रॉब्लम नहीं है, और जो लोग को भी जरूरत है उनको डेफिनेटली ले लेना चाहिए। He was in tears, गूगल पे बैठा उसकी बेटी, किसी ने बताया इंडिया जाओ, विक्रम शाह है, वो आपको शायद ठीक कर सकते, तो वही कर सकते। They landed at our hospital, हमने बोला देखो हम कोशिश करेंगे, हमको भरोसा है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमारा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, हम पे भरोसा रखना पड़ेगा। 3 चीज रखे उसका हमने, 2 महीना रखी और हिप से लेके एंकल तक का कस्टम मेड जॉइंट बनवाया और वो चल के गई। उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो प्रेस वालों ने, जो हमारी आदत है इंडिया में लोग सस्ता इसलिए आते हैं, वो हमेशा गलत है, तो उस आदमी ने खड़े होके बोला कि यूके मेरा मेरी वाइफ का इलाज फ्री हो रहा था, लेकिन वहां मेरी वाइफ का पाँव काटने वाले थे, यहाँ पैसा खर्च करके मेरी वाइफ को उसके पांव पे लेके जा रहा हूँ।